अजी सुनते हो, यशिका के पापा लड़की शानी हो गई है। अब इसके हाथ पीले करने के लिए सोच लो आप। अरे अभी हमारी बेटी की उम्र ही क्या है, अभी इसे पढ़ने दो। यशिका के पापा आप कैसी बातें कर रहे हो? आपको पता नहीं आजकल माहौल कितना खराब है। अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो कल मैं इसके लिए लड़का देखने जाता हूँ। सचित को कॉल करती हूँ। हेलो हेलो, आयशिका। मुझे ना तुमसे बहुत अर्जेंट बात करनी है। बेटा आप घबरा क्यों रहे हो? अच्छा बात सुनो, आज सुबह ना मम्मी पापा मॉर्निंग में बात कर रहे थे, तो वो दोनों शादी की बात कर रहे हैं। मेरी लड़का देखने जा रहे हैं वो। ठीक है, मम्मी पापा शादी की बातें कर रहे हैं, कोई बात नहीं। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तुमसे शादी करनी है। अच्छा ठीक है ना, मैं आपसे शादी करूंगा, पक्का प्रॉमिस। ठीक है, मैं 10 मिनट में आपको बैक कॉल करता हूँ। ओके ठीक ठीक है, फिर होगी, जल्दी कॉल करो मुझे। बढ़िया बढ़िया, ठीक हो भैया? बहुत बढ़िया। किस परेशान है यार? परेशानी की क्या बताऊं यार, मेरी गर्लफ्रेंड है यशिका, उसके अभी कॉल आई। वो मेरे से कह रही कि मेरे घर रिश्ता वाले आए हैं अच्छा। और मेरे मम्मी पापा मेरी शादी के लिए सोच रहे हैं। तो मुझे यार ऐसा सॉल्यूशन बताओ, मुझे इस लड़की से शादी तो करनी नहीं है ठीक है, मुझे ऐसा सॉल्यूशन बताओ जो मैं इससे शादी भी ना करूं और बुरा भी ना बनूं। तो टेंशन क्यों ले, चल बैठ के बताऊँ तो सोल्यूशन देखो बढ़िया वाला एकदम। अरे रचित भाई, छोटी मोटी बात की क्यों टेंशन ले रहे हो, चलो मम्मी भाई लेके चलो बैठो। सही क्या रचित भाई, जो बात है खुल के बताओ, सॉल्यूशन को हम बैठे। मम्मी भाई बात ऐसी है, ये लड़की मेरे गले घिर रही है बेमतलब की। मैं ना चाहता है इसको शादी करना। अब इसने मेरी सोशल मीडिया की लाइफ देख रहा है कैसी है। अरे भाई सोशल मीडिया की लाइफ में और रियल लाइफ में बहुत अंतर हो गया भाई। अब इसे कैसे समझाऊं मैं कि मेरी जो रियल ज़िंदगी है ना, वो मेरी सोशल मीडिया की लाइफ से बहुत ज़्यादा अलग है। तो मेरे घर के ना लगते कि शहर की लड़की है, अपना लेंगे गोबर, घर का सारा काम रहे, न्यार फूस, अब खेत की कटाई चल रही है उन्होंने कर लेगी। तो भाई मुझे ऐसा सॉल्यूशन बताओ, मैं बुरा भी ना बनूँ और इस लड़की को बाय बाय बोल। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, वहाँ पर फ़ोन कर और उसे अपने घर बुला लें 15 दिन को। जब आए घर को हम दिख रही, गोबर छाड़ना, भैंस को यार करना, दूध काटना, खेत में जाना यार, गेहूँ काटने। अगर तो सच्चा प्यार करते होगी तो रुक जाएगी, नहीं तो छोड़ के भाग जाएगी। मम्मी भाई सही बात कह रहे हो रचित भाई, या कल को बुला ही लो, दोपहरी में दे के जाके हाथ में दरौती बैठा दो या खेत में, पता चल जाएगी अपने आप भग जाएगी, दोपहर में नार काटना पड़ेगा यार। चलो ठीक है पम्मी भाई, एक काम करता हूँ, मैं फ़ोन कर लेता हूँ यशिका पे और उससे बोल देता हूँ, अगर काम कर लेगी तो ठीक है आ जा, वरना फिर कोई बात नहीं। ठीक है शिका। हाँ रचित बोलो। अब मेरी बात सुनो आप, एक काम करो आप 15 दिन के लिए मेरे घर आ जाओ। अच्छा हाँ, जो भी मेरा घर का काम होगा अगर वो आपने कर लिया अच्छे से, तो मेरे मम्मी पापा रेडी हो जाएंगे शादी के लिए, तो मैं आपसे शादी कर लूँगा। काम ये होगा, गेहूँ कटाई आ रहे हैं तो आपको गेहूँ भी काटने होंगे, यार भी करना होगा, गोबर भी ठाना होगा, तो सारी चीज़ें करनी होगी। अगर आप कर सकते हो तो आ जाओ कल। ठीक है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं रेडी हूँ। ठीक है, मैं लोकेशन सेंड कर दूँगा, आप कल आ जाओ। ओके ठीक है, डन, मैं आती हूँ, लोकेशन सेंड करो मुझे। ठीक है, ओके बाय। ओके बाय। बोल रही है 15 दिन के लिए आने के लिए बोल रही है, देख लेते हैं। चलो ठीक है। भागवत सुने के? हाँ बोल के क्या? ऐसे लल्ला का आवाज नजर ना आए, सुबह सुबह
मैं भी देखो कितने गेहूँ काटे हुए लौटाना, 10 पूड़े काटे 20 काटे। ले अबे पम्मी ऐसी का तागी, अब एक काम करते हैं, या हाथ में दरौती दे के या खेत में बैठा देते गेहूं काटते। पर बाबा सोनता सगड़ो खेत कट जाना चाहिए यू। हां ठीक है कोशिश करो। कोशिश वोशिश ना हो हंज के, पूड़ा बन जाने चाहिए कट के, पूड़े पूड़ा लॉक निकलवा के भी जाना, कभी नहीं भग जाओ। अरे बाबा झूस भी डुआनो। मैं कह रहा हूं भाई प्यार करे कर के दिखाई ला दिया, पता पड़ जाएगी सोनता का आज पतल जाएगी दूध आज पता पड़ जाएगा। पानी ऐसी का चल दरौती लेके बैठ जा खेत में। सारा घर का काम कर दू, शादी कर लो। मैंने कही कि मेरे घर के ऐसे ना है, पहले भी गोबर वोबर उठवा के देख लिया हम डर रखा था ये भी। पापा पापा मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ पापा, या एक तरह देख लो 15 दिन अजमा के अगर काम कर लेती घर को तो ठीक है। ठीक है जमा लेंगे कोई बात ना, 15 दिन दिए पापा घर ले चलो आज पापा। चलिए इसी के घर चलो चलो चलो। अरे खड़ो जो हो न्यार कर दे, भैंसे को दूध आने वाला होगी। अरे ऐसी कहा खड़ी कर दे, या लो इंडिया कौन सिखा दे घर को। हडियो चल तो कौन सिखाऊ, दिल्ली ना है यू जो रात को 12 बजे तक सोई गयो, यहाँ पिज्जा बर्गर ना मिले, काम करना जल्दी आ जाओ गोबर उठा। खड़ी हो जाओ, दिल्ली ना आयू सोती रहेगी यहाँ, काम करना पड़ेगा। अरे पंखा बंद कर दो, बिजली फूक रही है। चल खड़ी हो, खड़ी लो ही खड़ी हो जल्दी, चल जल्दी खड़ी हो। लत्तान की तय बना धरे के रही गाँव में। ले बहबू भैया तसला पकड़, दो दो बुरी भैंस के गिरने और दो जूतिया गिरने और वाके बाद तो यार करना आ जा। चले आ बल्ले बढ़िया। आजा चल बुस्को टोकरा तो गिर दिया, उसको भैसन दिखा दू, भैसन नाम गिनवा दू। यहाँ का नाम रिया है ना, मैं बहुत पिया, यहाँ का नाम रूबी है, तू बेचारी बहुत चूबी ही। अरे यहाँ का नाम कहा है, यहाँ का नाम पूछ पर लिख रहा है, यहाँ का नाम फूलबत्ती है, यहाँ का पूछ पर लिखवाया है फूलबत्ती नाम है। यू यहाँ की लौंडिया, यू इनका बाप है, बाप बहुत बढ़िया आदमी है बेचारा, ही सेकंड हैंड बाप है इनका, एक बार ने दूसरा खत्म कर लिया है। अब चलते हैं सारा काम कर लिया, तो गोबर गिरने सिखा दू। ठीक है भैया गोबर गिरना सिखाओ। गोबर है उठा के हम गिर, जल्दी टाइम मत लगा, जल्दी उठाया और गिरवा में हमारा तक जाए, जल्दी काम कर लेट हो रहे। गोबर भी गिर काटा अभी दादा भैया, अब तो झाड़ू पोछा करने सिखाऊ। ले अब तू झाड़ू मार ले, मैं 15 दिन को काम जा रहा हूँ, तो ये सारा काम करना, झाड़ू पोछा गोबर उठाना सब काम तो ये करने में जा रहा हूँ। ठीक है भैया बस यही काम करना ना जो आपने बताया। हाँ ये करना बस।
उसने मुझे क्या क्या सिखाया था तो याद भी नहीं आ रहा, पहले तो यही कर देते हैं ना। कितनी दूर है, फटाफट झाड़ू मार ले तू। झाड़ू तो मार दी, भूख लग रही है, पहले खाना खा लेती हूँ उसके बाद करूंगी। रचित, रचित कहाँ रह गए आप? एक तो मुझे वैसे ही तेज भूख लग रही है, इस टाइम मैं अपने घर पर ना खाना खा लेती थी। ले रोटी खा ले, प्याज सूप या प्याज फोड़ दीजिए, हम मार के पाइप मार के रोटी खा ले यार। ये पानी धरो, मेरी चले गया तो पानी पी ले, ठीक है? ठीक है, मैं खा लूंगी। हाँ खा ले यार। ये कैसे टूटेगी? रोटी तोड़, ठीक है, प्याज था क्या मैं धर और खा ले, ले खा ले, ऐसी मिलेगी रोटी, ठीक है, ऐसी खानी तो रोटी, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। चुप भी हो जा, बात भी बता दे, रोती रहेगी। क्यों मार पास भी दिखे रहा चितने कहा दिक्कत आ रही है, बहुत देर से दो दिन में भग जाती, बताओ ना कितना काम है हमारा। संजू की हालत खराब हो जा गई, संजू और चला गई, किला काम करना पड़ रहा भाई। रचित ऐसी लौंडे मिले ना है, बात करनी पड़ेगी भाई। बोला हूँ रचित, फिल्मी मारू अभी। ओ रचित नीचे कुआ जा, भले आदमी नीचे बैठे यार, बहुत देर सुन।
यसी कहते हैं ना सारा काम करो मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी तेरी से कोई उम्मीद नहीं है तो शादी करूँगा मुझे ऐसा लगे करे तू मेरे घर काम कर ना पाएगी और अब मुझे दिख रहा है तू कर रही है मेरे यार बता रहे तू रो भी रही और जैसे मैं रोकी सूखी अपने घर रोटी खाऊँ ना तो रोटी भी खा रही तो मैं तो अपना नहीं तैयार हूँ बस मेरी मम्मी मान जावे मेरे यार गए हैं मैं तो अपना मतलब आप मुझे इतने दिनों से मजाक में ले रहे थे आप बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे मुझे लेके आपको क्या लगता है ये जो काम आप मुझसे करवा रहे हो ये मैं नहीं कर सकती ये मैं 15 दिन नहीं जिंदगी भर करने के लिए तैयार हूँ।